हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज हम निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर मार्केट, और थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है, कुछ बहुत चीज़ें खरीदनी हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ उसके लिए, तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन लगाया है। शाम हो गया बट फिर भी सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, और बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया है क्योंकि लिपस्टिक से ही थोड़ा सा फेस में अच्छा अच्छा सा लुक आता है, तो लिपस्टिक हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा लिपस्टिक तो लगाना बनता है। सो यहाँ पे मैं अपना चश्मा क्लीन कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे आँखों के लिए। थोड़ी देर के लिए भी हम बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें पकड़ के जानी पड़ती है। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर के जानी पड़ती है। और अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है अचानक से, 3 दिन से बहुत गर्मी लग रहा है, एसी भी चलाना पड़ रहा है रात में। और बच्चे के साथ मैं इग्नोर ही करती हूँ एसी, बट फिर भी काफ़ी गर्मी है तो चलाना पड़ रहा है। सो यहाँ पे बाबू के साथ जा रही हूँ मैं, तो उसका पानी, हैंकी, एक्स्ट्रा कपड़ा, पैंट, ये सारी चीज़ें पकड़ के जाना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए भी जाना तो बच्चे के साथ बहुत सारा चीज़ लेकर के आपको जाना पड़ता है। तो हम हो गए हैं रेडी और चलो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि शाम हो जाएगा तो पता चला हम कुछ मार्केटिंग कर ही नहीं पाए। तो चलो, सारी चीज़ें मैंने ले लिया है तो अब हल्का सा टचअप करते हैं और निकलते हैं। तो सबसे पहले हम गए ट्रेंड्स, और हमारे यहाँ भी खुल गई है रिलायंस ट्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है तो हम वहीं गए थे। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी आई थी बट कुर्ताज की, ड्रेसेस की, बट मुझे समझ नहीं आया उतना, तो मैंने ट्राई किया था 2-4 बट समझ में उतना नहीं आया। सो हम लड़कियां बाहर आएँ शॉपिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, और गुपचुप ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम खाएं। हमने खाया गुपचुप, वो भी चटपटा सा, देखो कितना लजीज दिख रहा है। हमारे घर में अभी मौजूद है 2 बच्चे, 2 खूब शैतानियाँ करने वाले बच्चे, और इनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। इसके पापा ने बजाया था गाना और ये खूब मज़े कर रहे थे। मेरा डुगू तो बस उछलता है, डांस करता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बस डांस करना है, बाजा बजा और शुरू हो जाना है। सो अब ये डांस कर रहा है, देखना आप इसका एक स्टेप, ये देखो। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा डुगू का ये डांस, ज़रूर कॉमेंट में बताना। सो इनका डांस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मस्ती मैंने भी किया इनके साथ, और मेरा डुकू का ये वाला स्टेप तो बंद ही नहीं हो रहा, बस वही किए जा रहा है ये। तो हमारे घर में आज कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो यहाँ पे चिकन बन रहा है, और चिकन कौन बना रहा है, जैसे आप लोगों को पता है जब भी ये घर पे रहते तो मैं इन्हीं से बनवाती हूँ चिकन मटन, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आज भी मैंने इन्हीं को बोला और ये बना रहे हैं चिकन बड़ी वाली हांडी में। सो ये देखो, और ये चिकन जो है वो 2 kg से ज़्यादा बन रही है, और काफ़ी अच्छे मन लगा के ये बनाते हैं अच्छे तरीके से चिकन, और काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इनको मैंने थोड़ा सा लुक के लिए बोला, तो देखो ये क्या, कौन सा लुक दे करके जा रहे हैं, कपड़े को इसके ऊपर इन्होंने रख दिया, और ये काफ़ी टेस्टी, एकदम लजीज पूरा चिकन जो है ना उसने तेल छोड़ दिया था। तो मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।